أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज जो है हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे. सूरतुल आराफ हमारी शुरू हो रही है और आज हमारा लेसन है सूरतुल आराफ आयत नंबर 1 to 25. और इंशाल्लाह ताला हम इस तरह इसकी ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको ब्रेक कर करके, ताकि उसको हम समझ के याद करना भी आसान हो और बाद में भी हमें और जगहों पर भी हेल्प करें. इंशाल्लाह ताला हम अपना लेसन शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अलिफ लाम मीम साद. तो ये तो हरूफ मुक़त्तआत है. इसके बाद से देखते हैं आयत नंबर 2 से. किताबुन, ये किताब, उन्ज़िला, नाजिल की गई है. ये जो है मजहूल है, पैसिव है, नाजिल की गई है करके ट्रांसलेशन की याद करेंगे. उन्ज़िला, नाजिल की गई है. इलेई का, इलेई में दो चीजें हैं, तरफ इला और का यू, ताकि ट्रांसलेशन यू. तो इलेई का आपकी तरफ, फला फा पस, ला ना, यकुन हो, फी सौदरी का आपके सीने में. सदर कहते हैं सीने को, और फी की ट्रांसलेशन में आपके फी सौदरी का आपके सीने में. आप कहां से आया है, ये जो का है इसकी ट्रांसलेशन होती है यू. फी सौदरी का आपके सीने में, हरजुन कोई तंगी, मेन हो उससे, ली ताके. जब वर्ब से पहले, फेल से पहले ली आता है उसकी ट्रांसलेशन ताके करके करते हैं. ली ताके, ता तुम की है, यानी कि यू आप, ताके आप, नजरा इंजार कहते हैं डराने को, वार्न करने को, जिसे नजीर भी लफ्ज से ली तुम तिरा ली ताके, ता तू आप, ताके आप, ताकि आप डराएं, ली तुम तिरा ताकि आप डराएं. बी ही, बी की ट्रांसलेशन वेद साथ, ही इसके साथ, इसके, वज़िक्रा और नसीहत है, लिल मुमिनीन लिए, ली की ट्रांसलेशन लिए, जैसे लिल्लाही अल्लाह के लिए है, तो लिल मुमिनीना ईमान लाने वालों के लिए. मीम और पहले और ऊना बाद में है, तो ट्रांसलेशन क्या आएगी इसकी, वाले करके इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम जी. आयत नंबर 3 देखते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. इत्तबाउ, पैरवी करो, माँ उसकी जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया. अगेन पैसिव है, इसकी ट्रांसलेशन एक दफा याद कर ले. उन्ज़िला तो बहुत दफा रिपीट होता था, नाजिल किया गया, इसी तरह ट्रांसलेशन इसकी होती है. उन्ज़िला नाजिल किया गया, पैसिव मजहूल है ये. अलैकुम, तरफ तुम्हारे, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से. इसमें कुम जो है वो तुम के लिए आता है, तुम्हारे, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से. वाला और ना, तत्तबिउ तुम पैरवी करो. तो इसमें ता जो है ये है तुम की, रूट वर्ड ताबा आइन है, इत्तबा हम उर्दू में भी कहते हैं. तुम पैरवी करो, मिन दून ही उसके सिवा, औलिया और सरप्रस्तों की. औलिया वली की जमा है, वाउलाम या रूट वर्ड है, सरप्रस्त गार्जियन प्रोटेक्टर इसी को कहते हैं, औलिया और सरप्रस्तों की. कलीलन कितना, कलीलम मा, जब कलीलन मा इस तरह आता है इसका मतलब है कितना कम. कलीलम मा कितना कम, तजक करूं तुम नसीहत पकड़ते हो. ता पहले है, ऊना बाद में है, तो तुम प्लूरल में. जक्करा में दाल के ये कहाँ पे तशदीद जब आ जाता है तो इसमें होता है नसीहत पकड़ना, यानी किसी चीज से नसीहत हासिल करना, तो इस तरह यूज करते हैं. तो तजक करूं तुम नसीहत पकड़ते हो. आयत नंबर 4 पे देखते हैं. वकम और कितनी ही, मियाँ करियतिन बस्तियां, इसको हम प्लूरल में ही इसकी ट्रांसलेशन करें, करिया बस्तियां, अहलक ने हा. अच्छा, इसमें यहाँ तक एक समझे इस तरह आप याद करेंगे, अहलक ना हलाक कर दिया हमने, ना की ट्रांसलेशन क्या है हमने, तो हलाक कर दिया हमने हा उन्हें. हा की जमीर बस्तियों के लिए है, प्लूरल के लिए, इसलिए ट्रांसलेशन उन्हें, बस्तियों को हलाक कर दिया हमने उन्हें. फजा फा पस जा आया, जा का रूट वर्ड है जीम या हमसा. इस रूट वर्ड की मीनिंग्स होता है आया आना, तो यहाँ पे क्या है, आया पस आया
हाँ उनके पास यानी कि उन बस्तियों के पास वही जमीर है। सुना अजाब हमारा, बस का ट्रांसलेशन क्या है? अजाब पनिशमेंट, और ना हमारा, बयातन रात के वक्त, बायाता रूट वर्ड होता है, बैत घर को भी कहते हैं लेकिन वहां पे रात गुजारी जाती है, और बयातन रात के वक्त, औ या हम वो कैलून कैलूला कर रहे थे। काइल जो है इसमें काइलून जो रूट वर्ड है इसका है कॉफ या लाम, कि जो हम कैलूला कहते हैं उर्दू में वही कैलूला के पास इस रूट वर्ड से काफ या लाम से कुरान में दो ही लफ्ज है, एक दफा काइलून आया इसका मतलब कैलूला कर रहे थे, और एक दफा मकीला आता है कैलूला करने की जगह जैसे। तो जो दूसरा कायल कुरान में आता है जैसे हम सूरह कहफ में भी पढ़ते हैं, कायल कहने वाले ने कहा, कौला कायलुम मिनहुम, तो कायल का मतलब उसमें कहने वाला, तो उसका रूट वर्ड काफ वाव लाम होता है कौल से बात से, लेकिन कैलूला का रूट वर्ड सिर्फ यहीं पे यूज हुआ है काफ या लाम, कायलुन कैलूला कर रहे थे। फमा तो ना, काना थी, दावा हम, दावा होता है पुकार, दा पुकारने को कहते हैं, दा आयन वाव रूट वर्ड है, दावा पुकार हम उनकी, इज जब, जाया हम आया उनके पास, सुना अजाब हमारा, इल्ला मगर, अन ये के कौलू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, इन्ना में दो चीजें, इन्ना और प्लस ना, इन्ना बेशक हम, कुन ना इसमें भी दो है कुन और ना, थे हम ही जालिमीन जालिम, फला नस अलन्ना, ये इस लफ्ज को देखते हैं, फा पस ला अलबत्ता, और जब ये नून पे तशदीद आता है आखिर में तो डबल एम्फेसिस के लिए, डबल ताकीद के लिए, तो हम इसकी ट्रांसलेशन जरूर भी ऐड कर देते हैं, तभी हमने अलबत्ता का किससे, अलबत्ता का लाम से किया, फा पस ला अलबत्ता नून की ट्रांसलेशन हम, पस अलबत्ता हम, जैसे इया का नबूदू में हम इबादत करते हैं कहते हैं ना, तो नून की ट्रांसलेशन हम है, फलेना पस अलबत्ता हम, सवाल रूट वर्ड है, सीन हमजा लाम है रूट वर्ड, सवाल जैसे कहते हैं ना उर्दू में भी सवाल कहते हैं हम, तो सीन हमजा लाम, तो पस अलबत्ता सवाल करेंगे हम जरूर, जरूर कहाँ से है, नून पे तशदीद की वजह से, तो इसलिए इसकी ट्रांसलेशन क्या है, पस पस अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे, रूट वर्ड सीन हमजा लाम, अल्लजीना उन लोगों से, उर्सिला भेजे गए, इसको भी देख ले पैसिव है ये मजहूल, जैसा उनजिला उर्सिला देखिए एक जैसा लग रहा, उनजिला उर्सिला तो उर्सिला भेजे गए, इलेहिम तरफ जिनके, वला नस अलन्ना और अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे, अल मुर्सलीन रसूलों से, मुर्सलीन कहते हैं जिनको यानी कि रसूलों के लिए मुर्सलीन यूज होता है, तो रसूलों से प्लूरल में ट्रांसलेशन याद करेंगे, फलना कुसन्ना फा पस ला अलबत्ता नून हम, खौफ सौ सात किस्सा बयान कहते हैं जैसे उर्दू में भी किस्सा कहता है, खौफ सौ सात तो बयान करना जैसे, फले नकुस सुन्ना फले नकुस सन्ना बस अलबत्ता हम जरूर बयान करेंगे, अलैहिम उन पर भी इल्मिन साथ इल्म के, वमा और नहीं, कुन ना थे हम, कुन में भी कुन और ना थे हम, गाइबिन गाइब, वल वजन यौम इज़्न अल हक, वल वजन और वजन, यौम इज उस दिन, यौम इज में यौम होता है और इज होता है इज, तो इसलिए उस दिन अल हक हक होगा, फमन तो जो कोई, सकूलत भारी होंगे, सकील कहते हैं भारी को, और सकूलत भारी हुए, मवाजीनहु मीजान उसके, मवाजीन मीजान की जमाए, तो मीजान तराजू, हु उसके भारी हुए मिजान उसके, फउलाए का तो यही लोग हैं हम वो, अलमुफलहून जो फला पाने वाले हैं, मीम और ऊना की वजह से ट्रांसलेशन वाले करके करेंगे, फला रूट वर्ड है, जो फला पाने वाले हैं, वमन और जो कोई खफत हल्के हुए, उर्दू में हम लफ्ज खफीफ भी यूज होता है, खफत उसी से, खफाफा से, खफीफ हल्का होना, खफत हल्के हुए, मवाजीन हूँ मिजान उसके, फउलाए का तो यही लोग हैं, अल्लजीना वो जिन्होंने खसरू खसारे में डाला, अनफुसहम अपने नफ्सों को, बीमा इसमें बी की ट्रांसलेशन के बवाजा, बवाजा उसके जो, कानू थे वो, बी आयात ना बी साथ, आयात तीना ना के ट्रांसलेशन होगा हम, साथ हमारी आयात के, यज़लिमून वो जुल्म करते, या पहले ऊना बाद में प्लूरल में बात होगी, वो प्लूरल में जुल्म करते,
आयत नंबर 10 वलकद और बत्ता तहकीक मक्कन नाकुम मक्कन मक्कन का रूट वर्ड है मीम काफ नून, ठीक है। मक्कन मकन मीम काफ नून रूट वर्ड है, और मक्कना जब काफ पे तशदीद के साथ जब आता है इसका मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, जैसे ठिकाना देना, किसी को किसी जगह सेट करना, ठीक है। मक्कन और इसमें नून पे जो आपको तशदीद दिख रही है और खड़ी जबर है इसमें हम छुपा हुआ है। एक एक नून रूट वर्ड की है, मीम काफ नून एक नून रूट वर्ड की है, फिर दूसरी ना जो है वो हम की है, ठीक है। मक्कन ना कुम मक्कन ठिकाना दिया, ना हमने कुम तुम्हें, फिल और दी जमीन में वजाल ना और बनाए हमने लकुम तुम्हारे लिए फीहा इसमें माआयश जिंदगी के समान। माआयश हम उर्दू में भी माश माश कहते हैं, तो माश मायश आया कहां से, माआयश आयन या शीन, आयन या शीन जो है जिंदगी को कहते हैं। जैसे आपने हमने उसमें पढ़ा ना ईशत रौ दिया फमन सकलत मवाज़ीनु, उसमें भी आता है, तो ईशा का मतलब होता है जिंदगी, और माआयश माश मईशत ये लफ्ज कुरान में भी है, हम भी यूज करते हैं उर्दू में, इसके मतलब होते हैं जिंदगी का सामान, लाइवलीहुड जैसे। तो फीहा माआयश जिंदगी के सामान कलीलम मा पहले भी आया, तो जब ये एक साथ यूज होता है इसके मतलब होता है कितना कम, तशकुरून तुम शुक्र करते हो। आयत नंबर 11 वलकद और अलबत्ता तहकीक खलकनाकुम खलकना पैदा किया ना हमने कुम तुम्हें सुम्मा फिर सवरनाकुम सवर सूरत जैसे हम इसी से है ला, तो सूरत बनाई स्वाद वा रा रूप है सवर सूरत बनाई ना हमने कुम तुम्हारी सुम्मा फिर कुलना कहा हमने लिल मलाइकती फरिश्तों को। जब भी काफ और लाम के बाद लाम आता है तो उसका मतलब है किससे कहा, जैसा काला या कुलू कोई भी चीज इस तरह होगी उसके बाद लाम आता है उसका मतलब लिए नहीं इसकी ट्रांसलेशन होती है, इसका मतलब होता है इससे कहा। जैसे कुलना कहा हमने लिल मलाइकत फरिश्तों से उस जुदू सजदा करो अली आदम आदम को फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, जैसा कालू में हम कहते हैं ना उन्होंने कहा, इसी तरह फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, प्लूरल में ट्रांसलेशन होगी इल्ला सिवाय इबलीस इबलीस के लम ना यकुन था वो मिन साजिदीन सजदा करने वालों में से। कौला फरमाया जब अल्लाह ताला के लिए कौला आता है तो इसलिए फरमाया की ट्रांसलेशन कर देते हैं, कौला फरमाया मा किसने व्हाट के लिए भी मा यूज होता है, किसने मना का मना मना किया का तुझे, किसने मना किया तुझे अल्लाह के ना, अल्लाह दो लफ्जों से मिलके बना है अन प्लस ला, अन हमजा जबर और नून साकिन उसकी ट्रांसलेशन होती है के दैथ, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ला ना के ना अल्लाह के ना तस्जुद ताकि किस्सा है तू तस्जुदा तू सजदा करे इफ जबकि अमर तू का अमर हुकुम दिया तू मैंने का तुझे हुकुम दिया, ठीक है। अमर तू ता पे पेश जो है यह है मैंने की हुकुम दिया था मैंने तुझे, कौला वो बोला अना मैं खैरन बेहतर हूं मिन हूं उससे खलकतनी खलक पैदा किया ता तूने। इसके लिए बहुत अच्छा जो एक याद रखने के लिए क्योंकि इसमें कभी कंफ्यूजन होता है कि अमर तू तू मैं के लिए है और ता तूने के लिए होती है, तो इसको हम इस तरह याद रखते हैं जैसे इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन जो हम आयत करीमा पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं इन्नी कुंतु तो मैं ज़ालिमों में से होता, तो कुंतु कुंतु तू यानी कि मैं होता है, और उसकी खलकतनी में ता की ट्रांसलेशन देखे तू आ रही है तो उससे याद है अनामता अलैहिम जिसपे तू ने इनाम किया, तो अनामता ता अंता जो होता है उसमें होता है तू, तो खलकतनी पैदा किया ता तूने नी मुझे मिन्ना ना आग से व खलकता हूँ और पैदा किया तूने हूँ उसे मिन तीन मट्टी से, कौला फरमाया फहबित बस उतर जा, हावा तो उतरने को कहते हैं फहबित बस उतर जा मिन्हा इससे फमा बस नहीं यकूनु है लगा तेरे लिए अन के तकब्बरा, पहली ता जो है तू की है और दूसरी तो तकब्बुर की है, रूट वर्ड तो काफ बारा है तकब्बरा तू तकब्बुर करे फीहा इसमें
फखरुज बस निकल जा, इन्नका बेशक तू मिनस सौगरीन जलील होने वालों में से है। जैसे कबर काफ़बारा होता है, अकबर बड़ा होता है, असगर छोटा, तो सौगरीन जलील होने वालों में, छोटे होने वालों में से है। कौला उसने कहा, अंजुरनी मोहलत दे मुझे, अंजिर का रूट नून ज़रा है तो अंजिर मोहलत दे नी मुझे, इला योमी उस दिन तक, युबासून जब वो उठाए जाएंगे। अच्छा इसको भी आप सर्कल कर ले, लिख ले मजहूल है पैसे वही। इसमें भी देखें या पे पेश है, फर्स्ट लेटर पे पेश और थर्ड लेटर पे जबर आ रही है, तो ये भी एक तरीका होता है, मगर ये हर जगह नहीं अप्लाई होता, मगर कई जगह आप देखेंगे युजलमून तुजलमून युबासून वो उठाए जाएंगे, यानी कि वो उठाए जाएंगे, वो खुद नहीं उठा रहे किसी को, वो उठाए जाएंगे, तो ये मजहूल है, तो इसको आप ऐसे ही याद करेंगे युबासून वो उठाए जाएंगे। बास का मतलब होता है उठाना, बास बादल मौत भी कहते हैं, और जो बनने के बाद रिसरेक्ट किए जाएंगे उसको कहा जाता है। कौला फरमाया, इन्नका बेशक तू मिनल मुंजरीन मोहलत दिए जाने वालों में से है। अगेन इसको भी आप लिख लीजिए मजहूल है ये, मुंजरीन इसमें देखें मीम पे पेश दिख रहा है आपको और थर्ड लेटर पे जबर है, इसी वजह से मुंजरीन मोहलत दिए जाने वालों में से, यानी कि मोहलत दे नहीं रहे अब तुम्हें दी जा रही है, तो जो पैसिव जैसा मजहूल कि कोई और है डूअर, कोई और है, जो अरबी में ऐसा स्टाइल होता है कि मिस्ट्री होता है कि डूअर नहीं बताया जा रहा तो फिर पैसिव आता है, तो यहाँ पे मिनल मुंजरीन मोहलत दिए जाने वालों में से, तो इसको आप ऐसे सर्कल करके इसके रट्टा बहुत अच्छे से लगा लिया करें, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कुछ अर्से में समझ आने लगेगा। और वाले की ट्रांसलेशन क्यों है, क्योंकि मीम की वजह से, ईना की वजह से ट्रांसलेशन अक्सर वाले करके करते हैं। औला उसने कहा, फ बी मा फ पस बी बवजा, क्योंकि यहाँ पे वो वजह बयान कर रहे हैं, इसलिए बाकी ट्रांसलेशन बवजा, बवजा माँ उसके जो अगवैतनी गुमराह किया, अगवा किया, गवी गैन वॉर या गवी जो होता है गई जैसा होता है गुमराही के लिए होता है, तो अगवाई ता तूने, वही जैसे हम अनामता की बात करते हैं खलकता में भी तू के लिए ता आ रहा है, तो वही आप सब कुछ वही दिख रहा है, अगवैतनी गुमराह किया तूने मुझे, ला अलबत्ता हमजा पे जबर है इसकी ट्रांसलेशन है मैं, नून पे तशदीद है इसकी ट्रांसलेशन है जरूर, और रूट वर्ड क्या बचा, कौफ आइन बाल कौत, कौत कहते हैं बैठने को, जब कादा हम नमाज में भी बैठते हैं ना उसको भी कादा कहते हैं, जो तहियात जब हम पढ़ते हैं, तो लकऊदन्ना ला अलबत्ता हमजा पे जो ये है फता अलबत्ता मैं जरूर बैठूंगा, लहुम उनके लिए सिरौता का सिरात रास्ता और का तेरा तेरे रास्ते सीधे पर मुस्तकीम सीधे पर, आयत नंबर 17 सुम्मा फिर लातियन्नहुम ला अलबत्ता हमजा पे ये खड़ी जबर है इसमें मैं का है, नून पे तशदीद की वजह से जरूर, अलबत्ता मैं जरूर, और आतियन्ना हमजा ता या आने को कहते हैं, तो अलबत्ता मैं जरूर आऊंगा हुम उनके पास, ठीक है। जब आप इसको ब्रेक करके करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लातियन्ना अलबत्ता मैं जरूर आऊंगा हुम उनके पास, मिम बैनी एदीहिम उनके सामने से, बैनी एदीहिम सामने के लिए यूज होता है फ्रंट के लिए, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे से, व अन एंड फ्रॉम से ऐमानिहिम उनकी दाएं जानिब से, ऐमान या मीम नून रूट वर्ड होता है यमीन राइट हैंड को कहते हैं, तो ऐमानिहिम उनके दाएं से, उनके कहां से आया हुम से, उनके उनके दाएं से, व अन शमाइलिहिम और उनके बाएं से, शीन मीम लाम रूट वर्ड है, वला और ना तजीदू ता की ट्रांसलेशन तू वाओ जीम दा रूट वर्ड है, वजदा होता है किसी चीज को मौजूद होती है तो वही होती है हम पाते हैं उसको, तो वजदा वाओ जीम दा रूट वर्ड है, वला तजीदू और ना तू पाएगा अक्सर हम उनकी अक्सरियत को शाकिरीन शुक्र गुजार। 18 आयत नंबर 18 कौला फरमाया ओ खुरुज निकल जा मिन्हा इससे मदऊमन मुजम्मत किया हुआ, मदऊमन का रूट वर्ड है दाल हमजा मीम, कुरान में ये एक ही दफा आया है रूट वर्ड, यहीं पे आया है, इसकी ट्रांसलेशन डिसग्रेस मुजम्मत किया हुआ, दाल हमजा मीम कहीं और नहीं आएगा रूट वर्ड, दाल हमजा और मीम रूट वर्ड है, मदऊमन मजम्मत किया हुआ, मधहूरा रहमत से दूर किया हुआ, मधहूरा का रूट वर्ड दाल हारा है, ये भी कुरान में बहुत दफा यूज नहीं हुआ,
तीन दफे टोटल आया है, और इसके मतलब यही रहमत से दूर किया हुआ, एक्सपेल निकाला हुआ, इस तरह ही है शैतान के लिए, या कोई भी रहमत से दूर किया हुआ। तो मज़ूमम मधुरा, मधुरा मतलब रहमत से दूर किया हुआ, एक्सपेल किया हुआ, निकाला गया। लमन, ला का ट्रांसलेशन अलबत्ता, मन जो, लमन अलबत्ता जो, तबिया का, तबिया पैरवी करेगा का तेरी, मिनहुम उनमें से, ल अम ल अन्ना ला अलबत्ता, हाँ आ मैं, मीम लाम हमजा रूट वर्ड है, मला भरने को कहते हैं, और नून तशदीद की ट्रांसलेशन जरूर। तो अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नमा जहन्नुम को, मिनकुम तुमसे, अजमाइन सबके सबसे, व या आदम और ए आदम, उस्कुन रहो, जब हम रह, सुकून भी होता है कि रहने के लिए मस्कन भी होती है जैसे, तो इस उस ये है तस्निये के सीगे की अलिफ है। तस्निया मतलब डुअल का सीगा, इससे मीनिंग आया है दोनों का, ठीक है। फकुल होता तो होता बस तुम खाओ, एक बंदा, लेकिन फकुला बस दोनों खाओ, मीन हैसु जहां से तुमा, तुम दोनों चाहो। फिर अगेन तुमा की वजह से, ये जो तुमा, ये जो अलिफ साथ आया, इसकी वजह से ट्रांसलेशन डुअल किया गया, तुम दोनों चाहो। तुम का रूट वर्ड क्या होता है, शीम या हमजा, जैसे शाह इंशा अल्लाह चाहने के लिए कहते हैं ना, जो चाहे अल्लाह, तो तुम में भी यही है, तुम दो तुमा, तुम दोनों चाहो, वाला और ना तकरबा, तुम दोनों करीब जाना, इसमें भी अलिफ पे ये जो अलिफ दिख रहा है ये डुअल के लिए, तुम दोनों करीब जाना, हादही शजरा था, इस दरख्त के, फतकूना, इसमें भी अगेन अलिफ आ रहा है, इसमें दोनों, इसी बार बार ट्रांसलेशन में दोनों दिख रहा है, फा वरना ता तुम कूना दोनों हो जाओगे, मेरा जालिमिन जालिमों में से। आयत नंबर 20, फवसवसा बस वसवसा डाला, इसका रूट वर्ड क्या है, वसवस, ये रुबाई है, वासीन वासीन, वसवस बस वसवसा डाला, लहुमा उन दोनों के लिए, हुम होता है उनके लिए प्लूरल के लिए, मगर डुअल अरबी में डुअल का भी सीगा होता है, दो के लिए भी, लहुमा उन दोनों के लिए, अशैतानो शैतान ने, शैतान पे आपको पेज दिख रहा है, शैतान डुअल है, शैतान ने, ली युब्दिया, ली ताके, या का ट्रांसलेशन वो, ताके वो, ली युब्दिया ताके वो जाहिर कर दे, जाहिर करने के जब मीनिंग आता है, इसके रूट वर्ड होता है बा दाल वाव, युब्दून, तो ली युब्दिया ताके वो जाहिर कर दे, लहुमा उन दोनों के लिए, मा जो वूरिया छुपाई गई थी, अग इसको भी आप ऐसे जो सर्कल कर ले, इसको भी ऐसे आप लिख ले, मजहूल है, पैसिव है ये, छुपाई गई थी, वूरिया, वाउरा या रूट वर्ड है, इसके मतलब होता है हाइट करना, कंसील, छुपा लेना, ये दो दफा ये लफ्ज हाबिल काबिल के किस्से में भी है, वूरिया उसमें भी छुपाने का जिक्र, तलाश को छुपाने का, यहाँ पे भी दो दफा आपको आराफ में भी मिलेगा, दो दफा वाउरा या, इसका मतलब होता है छुपाना, कंसील करना, ठीक है। तो मगर यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे, ये पैसिव है, मजहूल है, माँ वूरिया, माँ का ट्रांसलेशन तो जो हो गया, वट एवर, वूरिया छुपाई गई थी, अनहुमा हुमा उन दोनों से, अनहुमा उन दोनों से, मिन से, सौ आती हिमा, हिमा का तो देख लें, हिम तो हो गया डुअल के लिए, ठीक है। सौआत का रूट वर्ड है सीन वाव हमजा, सौआत भी कुरान में इस तरह शर्मगाहों के लिए यूज हुआ है, बहुत दफा नहीं यूज हुआ है, कम ही दफा यूज हुआ है, मगर यहाँ पे देखें सौआत प्लूरल में है, तो शर्मगाहें उन दोनों की, वकाला और कहा, माँ नहीं, नहा कुमा, नहा नून हा या नहीं से, जैसे हम नहीं कहते हैं, रोकते हैं ना, तो बस इसके नहीं उर्दू में हम कहते हैं नहीं, अनिल मुनकर भी कहते हैं नहा, रोका, कुमा फिर अलिफ आ गया बाद में, तो तुम दोनों को नहीं रोका, तुम दोनों को, रब्बु कुमा तुम्हारे रब ने, इसमें भी देखिए रब का जो पेश है ना, इससे ये ने की ट्रांसलेशन आ रही है कि तुम्हारे रब ने, यानी डूअर कौन है, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं रोका था, तुम दोनों को, तुम कुमा तुम दोनों के रब ने, रब्बु कुमा तुम दोनों के रब ने, अनहाजिर शजरती इस दरख्त से, इल्ला मगर अन ये के, तकूना तुम दोनों हो जाओ,
मलकैनी दो फरिश्ते, इसने भी ऐनी जो है ये दो के लिए, मलक एक फरिश्ते को कहते हैं, मलकैन दो फरिश्ते। औ या तकूना तुम दोनों हो जाओ मिनल खालिदीन हमेशा रहने वालों में से। खालिद कहते हैं हमेशा रहने वाले को, और ट्रांसलेशन वाले करके करेंगे क्योंकि फाइल का वजन है खालिद फाइल, हमेशा रहने वालों में से। आयत नंबर 21 व कासमहुमा, इसको भी यहाँ ब्रेक करेंगे, इसको कासमा और उसने कसम खाई। ये उसने कहाँ से आया, इसमें मीम पे जो आपको जबर दिख रहा है इसमें ही की जमीर छुपी हुई है, ही व कासमा और उसने कसम खाई, हुमा उन दोनों से। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे तो दो हिस्से में ब्रेक करके वकासमा और उसने कसम खाई, हुमा उन दोनों से, इन्नी बेशक मैं, इन्नी और या जो है ये मैं की है, इन्नी बेशक मैं, लकुमा तुम दोनों के लिए, ला अलबत्ता, मिन फ्रॉम से, नासिहीन खैर ख्वाहों में से हूँ। नासिहीन कहते हैं खैर ख्वाह को ना, तो प्लूरल में ट्रांसलेशन नमिलन नासिहीन, अलबत्ता खैर ख्वाहों में से हूँ। आयत नंबर 22 फदल्लाहुमा, बस उसने खींच लिया। अगेन इस पे इस पे जो अलिफ है लाम पे खड़ी जबर है, इसकी ट्रांसलेट इसमें ही की जमीर छुपी हुई है, बस उसने फदल्ला, बस उसने खींच लिया हुमा उन दोनों को। अच्छा, दल्ला का रूट वर्ड है दाल लाम लाम। कुरान में एक ही दफा ये लफ्ज इस तरह आया है फदल्लाहुमा खींचने के मतलब में, बाकी जगह पे डिफरेंट तरह दाल लाम लाम आया है, मगर इसकी ट्रांसलेशन सिर्फ यहाँ पे ऐसी है कि उसने उनको गिरा लिया, उसने उनको खींच लिया। तो इसको इसी तरह आप याद रखें, ये और जगह पे नहीं मिलेगा आपको, ये रूट वर्ड है मगर डिफरेंट तरीके से यूज़ है। फदल्लाहुमा, बस उसने खींच लिया हुमा उन दोनों को, भी गुरूर इन साथ धोखे के, गुरूर कहते हैं धोखे को, और जब इंसान गुरूर करता है वो भी उसको धोखा ही होता है जो कर रहा है, भी गुरूर इन साथ धोखे के, फलम्मा फिर जब, जायका दोनों ने चखा। अब दोनों कहाँ से आए, जो अलिफ है इससे दोनों आ गया, और जायका हम चखते हैं, दालवा काफ रूट वर्ड होता है, तो जायका दोनों ने चखा, अशजरा था उस दरख्त को, बदत जाहिर हो गई। अभी हमने बदत बादल वाओ के रूट वर्ड से एक लफ्ज पढ़ा था लियुबती या, ताकि वो जाहिर कर दे, और ये वही लफ्ज है, तो बदत जाहिर हो गई, लहुमा उन दोनों के लिए, सवातुहुमा शर्मगाहें उन दोनों की, हुमा उन दोनों की, वतफिका और वो दोनों शुरू हो गए। फिर अगेन दोनों तो आपको समझ आ गया क्यों है, रूट वर्ड तौफा कौफ है। कुरान में ये रूट वर्ड सिर्फ दो दफा यूज हुआ है, तीन दफा यूज हुआ है इनफैक्ट, दो दफा हजरत आदम के किस्से में ही है और एक दफा कहीं और है, तो इसका मतलब होता है बिगिन, कुछ शुरू हो जाना, टू बिगिन। तो वतफिका और वो दोनों शुरू हो गए, यक्सिफानी वो दोनों चिपकाने लगे, खौसौतफा ये भी कुरान में दो दफा सिर्फ यूज हुआ है और सिर्फ हजरत आदम के किस्से में ही। सेम आयत आपको दिखेगी सूरह ताहा में आयत नंबर 121, इसी तरह है वतफिका यक्सिफानी और वो दोनों शुरू हो गए, यक्सिफानी वो दोनों चिपकाने लगे खसफा से। इसमें भी जो ये आनी है इसमें दोनों की चीज आ रही है, वो दोनों चिपकाने लगे, अलै हिमा उन दोनों के ऊपर यानी कि अपने ऊपर, म्यू वरकिल जन्ना पत्तों से, वरक की ट्रांसलेशन आप प्लूरल में याद करेंगे पत्तों से, अल जन्ना जन्नत के, वनादा हुमा नादा निदा से है पुकारने का, वह नादा और पुकारा हुमा उन दोनों को, रब्बुहुमा फिर रब बाप पेश रब पे पेश है, तो रब ने उनके रब ने, रब्बुहुमा उनके रब ने, अलम आ क्या, लम नहीं, अनहकुमा हमजा की ट्रांसलेशन है यहाँ पे मैंने, नहा नूनहा या से नहीं से रोका था, कुमा तुम दोनों को, मैंने रोका था तुम दोनों को, अन तिलकुमा शजरती उस दरख्त से, वह अकुल और हमजा फिर वह अगेन मैंने, अकुल और मैंने कहा था, लकुमा तुम दोनों को, इन्ना बेशक शैतान, इन्ना शैताना बेशक शैतान, लकुमा तुम दोनों का अदुबुन दुश्मन है, मुबीन खुल्लम खुल्ला। आयत नंबर 23 कौला उन दोनों ने कहा, फिर देखें इसकी अलिफ की वजह से उन दोनों ने, कौला उन दोनों ने कहा, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना ज़ुल्म किया हमने, अनफुसना हमारी जानों पे यानी कि अपनी जानों पर, अनफुस प्लूरल में है नफ्स की जमा, व इन और अगर, लम नहीं, तगफिर लना ता तूने, गफरा तूने बख्शा, लना हमें, व तरहमना और तूने रहम, और ना तूने रहम किया हम पर, ला अलबत्ता
ना हम, नून पे तशदीद है तो जरूर, लनकूनन्ना अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। आयत नंबर 24, कौला फरमाया इहबितू उतर जाओ, प्लूरल में है, वाव साकिन बता रही है प्लूरल में, उतर जाओ, बादुकुम बास तुम्हारे लिए, बादिन बास के लिए अदूफ दुश्मन है, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिर अर्द जमीन में मुस्तकरुन एक जाय करार है, करार की जगह काफरा रूटवर्ड होता है, मुस्तकरुन एक जाय करार है, व मताउन और कुछ फायदा उठाना है, इलाहीन एक वक्त तक। आयत नंबर 25 आ गई, हीन वक्त के लिए यूज होता है, इलाहीन एक वक्त तक। आयत नंबर 25, कौला फरमाया फीहा इसी में, तहयौना ता और ऊना है तो तुम प्लूरल में हयात, हाया या रूटवर्ड है, तहयौना तुम जियोगे, वफीहा और उसी में, तमूतूना तुम मरोगे मौत से है, वमिनहा और उसी से, तुखरजून तुम निकाले जाओगे। अगेन आखिरी लफ्ज जो है लेसन का ये भी पैसिव मजहूल है, तुजलमून युजलमून तुखरजून, पहले पे पेश इस पे जबर, थर्ड एपिटेटिव है तुम निकाले जाओगे। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। وما علينا إلا البلاغ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته